हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं वो तो अपने मज़े में था, सर तो अपने मज़े में रहते हैं, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं अपने मज़े में रहता हूँ। वेल, इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, यहाँ पर जो फ्रेज आया है अपने मज़े में रहना या मज़े में होना, तो यहाँ पर जो हम लोग फ्रेज का यूज करते हैं, इसका कहने का मतलब होता है कि आप उस सिचुएशन को, उस स्थिति को इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं। तो वहाँ पर इंजॉय करने के सेंस में हम लोग इस फ्रेज का यूज करते हैं, इन वंस एलिमेंट। इन वंस एलिमेंट, वंस के जगह रिलेटिव प्रोनाउन बदलता रहेगा, माय, आवर, हिज, हर, डियर, तो इस तरीके के वर्ड आएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे इज, एम, और। यदि आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो आपको लगाना पड़ेगा वॉज या वर, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे इन वंस एलिमेंट, तो वन के जगह ये वर्ड आता रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। यदि आप सेंटेंसेस में डबल क्लॉज का यूज करेंगे तो पहले आपको एक पहला क्लॉज राइट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लास्ट में दूसरे क्लॉज को ट्रांसलेट कर दीजिएगा। वेल, किस तरीके से लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, वो तो अपने मज़े में था। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉज इन हीज एलिमेंट, ही वॉज इन हीज एलिमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, वेल हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सर तो अपने ही मज़े में रहते हैं। वेल, हिंदी में चाहे किसी भी तरीके से आए, आपको इंग्लिश इसी स्ट्रक्चर से बनाना है। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सर इज इन हिज एलिमेंट, सर इज इन हिज एलिमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, वेल हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं अपने मज़े में रहता हूँ या मैं मज़े करता हूँ। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई एम इन माई एलिमेंट, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई एम इन माई एलिमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोगों को वहाँ मज़ा आ रहा था, इसके लिए बोलेंगे वी वर इन आवर एलिमेंट देयर, वी वर इन आवर एलिमेंट देयर। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छे लगे थे लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।